हेलो स्टैंडर्ड सेकेंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हाउ आर यू सब? हाउस में रहो, कीप वॉशिंग योर हैंड्स, मम्मी पापा की बात सुनो, उनको ट्रबल नहीं करो, ठीक है? तो आज हमने क्या करना है? आज हम करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन आंसर्स। बट बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट इज द डे टुडे। टुडे इज वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। और डेट क्या है? 22 जुलाई 2020। ओके, तो आज हम क्या कर रहे हैं? अभी हमने चैप्टर किया है ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप मतलब जो भी थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जो ब्रीद करती हैं, जो बड़ी हो रही हैं, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। और जो ब्रीद नहीं करती हैं और जो ग्रो भी नहीं करती हैं, दोज थिंग्स आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। दे स्टेर एज इट एज दे आर, दे विल नॉट ग्रो लाइक दिस पेन, दिस बुक, ऑल राइट? और थिंग्स लाइक प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, तो ये सब क्या करते हैं? दे ऑल ग्रो, दे आर लिविंग थिंग्स। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ थिंग्स ग्रो? थ्री टाइप ऑफ थिंग्स ग्रो, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो आज हम पहले करेंगे टेक द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल लिविंग थिंग्स ए ग्रो, बी डू नॉट ग्रो, सी रिमेन द सेम। सो हमारा आंसर है ए ग्रो। ग्रो मतलब वो बड़े होते हैं, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। सेकेंड, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली इज अ, आपकी फैमिली में सबसे एल्डेस्ट, एल्डेस्ट मतलब बड़ा फैमिली मेंबर कौन होगा? ए चाइल्ड छोटा सा बच्चा, बी ग्रैंडफादर, सी फादर। यस, बी ग्रैंडफादर। तो हमारा आंसर है बी ग्रैंडफादर। थर्ड क्वेश्चन, द थिंग आई वांटेड एज अ बेबी वॉज, जब आप छोटे बेबी थे तो आपको क्या चीज चाहिए थी? अ बुक, बी अ बैट, सी अ मिल्क बॉटल। यस, आंसर इज सी अ मिल्क बॉटल, करेक्ट। नंबर फोर, अ स्मॉल प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो सीड से अभी प्लांट निकलता ही है, न्यू एकदम प्लांट होता है, छोटा सा बेबी प्लांट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ए नेस्लिंग, बी बेबी, सी सीडलिंग। यस, द आंसर इज सी सीडलिंग। नेस्लिंग क्या होता है? बर्ड का जो स्मॉल बेबी होता है उसको बोलते हैं नेस्लिंग, और बेबी तो आप जैसे जो छोटे बेबीज होते हैं उनको बेबी बोलते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे बी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन, सीडलिंग ग्रोज इंटू फुली ग्रोन डैश, जो सीडलिंग होते हैं वो ग्रो करते हैं बड़े होकर किसमें? यस, प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे आंसर्स दिए हैं उससे हमने सिलेक्ट किया है प्लांट्स। अ बर्ड्स एग हैचेस, हैचेस मतलब उसमें से क्या निकलता है? इंटू अ स्मॉल नेस्लिंग एडल्ट्स प्लांट्स बेबीज, करेक्ट आंसर इज नेस्लिंग। व्हेन वी आर बॉर्न वी आर, यस करेक्ट आंसर, बेबीज। लास्ट, चिल्ड्रन ग्रो अप एंड बिकम, तो कौन सा आंसर रह गया? एडल्ट्स। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे एडल्ट्स। ऑल राइट, तो हम ये एक एक्सरसाइज एंड सी एक्सरसाइज करेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखो और उसके सिर्फ आंसर्स लिखने हैं साथ में, और फिल इन दी ब्लैंक्स पूरे नोट करेंगे। ऑल राइट, अच्छे से लिखो, आप खुद अपना वर्क करो, आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होगी, आपको न्यू न्यू वर्ड्स भी पता चलेंगे, आप और इंटेलिजेंट हो जाओगे। और बोल बोल कर लिखो, इंग्लिश में हम फोनिक्स कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप ये जो लाइन्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो खुद अपने आप पढ़ो। ठीक है, तो आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली पढ़ो, वीडियो देखो, आपको आंसर्स तो मैंने सारे बताए हैं, आई विल सेंड यू द पिक्चर आल्सो। सो वी विल फिनिश दिस ए एक्सरसाइज एंड सी एक्सरसाइज। ओके, क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया है। ओके, बाय।